सोलन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की शहरी इकाई के चुनाव संपन्न करवाए गए। ये चुनाव तहसीलदार मोहिंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुए। चुनाव में सोलन के कर्मचारियों ने भारी तादाद में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर संस्था के उपाध्यक्ष अनूप भारद्वाज, वित्तीय सचिव देवीदत्त तनवर, जिला संयोजक जयकिशन ठाकुर भी मौजूद रहे। चुनावों में सर्वसम्मति से कृष्ण कुमार को अध्यक्ष और प्रीतम कुमार को उपाध्यक्ष, नरेंद्र ठाकुर को सचिव चुना गया। इस मौके पर सभी कर्मचारियों को ये संदेश देने की बात कही गई कि उनका संघ सर्वप्रिय है और उनके ही संघ को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आशीर्वाद मिलने वाला है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश वित्तीय सचिव देवीदत्त तनवर ने कहा कि पूर्व में कर्मचारी परिसंघ के नेता रहे विनोद कुमार पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज वे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जब वे अपनी नौकरी तक बचाने में सक्षम नहीं हैं, तो वे अन्य कर्मचारियों के हितों की क्या रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज अधिकतर कर्मचारी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और सभी कर्मचारियों में आज एकजुटता का परिचय देते हुए सर्वसम्मति से शहरी इकाई का गठन किया है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं, ये एनआर ठाकुर जो महामंत्री है हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी, उनकी नोटिफिकेशन के अनुसार ये चुनाव हो रहे हैं। और जो एक दूसरा गुट चुनाव करा रहे हैं, हमें सभी कर्मचारी भाइयों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। 27 दिसंबर 2017 को ये सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में माननीय श्री जयराम ठाकुर जी की, और 30 दिसंबर को श्री विनोद कुमार जी, जो अपने आप को तदर्थ समिति का अध्यक्ष कह रहे हैं और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट कर दिया गया है। तो जो कर्मचारी अपनी टर्मिनेशन नहीं बचा सकता, वो अन्य कर्मचारियों की क्या रक्षा करेगा, उनके हितों की क्या पैरवी करेगा। आज आपने देखा होगा जो जन सैलाब कर्मचारी का उमड़ा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारी अब किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। कर्मचारियों को पता है कि कौन उनके हितों की बात करेगा और किसके साथ उनको चलना है। तो ये क्लियर है कि कर्मचारी महासंघ का जो आगे आने वाला स्वरूप है वो क्या होगा, उसमें कोई मतलब जो इससे पहले चुनाव हुए उनको कोई मान्यता नहीं मिलने वाली है। कर्मचारी महासंघ की जो मान्यता मिलेगी, जो आज चुनाव हुए इनको ही मान्यता मिलेगी। ऐसा सर्वसम्मति से बने शहरी इकाई के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि सभी ने उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनकर बनाया है। वे और उनकी टीम सभी मिलकर अब कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस मौके पर शहरी इकाई को चुनने के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। सभी कर्मचारी साथियों का, बहनों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे एक कॉल पे जो सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, हम सब जो पूरी कार्यकारिणी है हमारी, हमारे जो हमारे संज्ञान में जो बात लाई जाएगी उसे हम उच्च अधिकारियों से मिलके उसी समय निपटाने की कोशिश करेंगे। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे 4914 है हमारी, और जो मुख्य एचआरए हमारा बहुत सालों से नहीं बढ़ा है, पेंशन स्केल जो है जो काफ़ी समय से नहीं मिले, उन पे हम गौर करेंगे। जितनी भी हमारी जो पूरी कार्यकारिणी है, ये मिलजुल के हम सभी मांगों को निपटाने की कोशिश करेंगे, और सभी कर्मचारी साथियों का के साथ हम अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।